हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब, स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर हमें अपनी सारी वेबसाइट्स के लिए कहाँ से कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गाइस स्टार्टिंग में कि हमें कंटेंट नहीं मिल पाता। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यार आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप अपने सारी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको गाइस ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल भी आगे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली गाइस आपको अपने ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे गाइस एक सिंपल सा वर्ड आपको टाइप करना है, सायरी, ठीक है। जैसे आप सायरी लिखोगे देन आपको सर्च कर देना है, तो इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स देखने को मिल जाएगी, और जो भी गाइस टॉप पे वेबसाइट्स आ रही है इन पे गाइस जो ट्रैफिक है गाइस वो भर भर के आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 मिलियन से ऊपर भी गाइस पर्टिकुलर कीवर्ड पे गाइस जो सायरी है गाइस इस पे ट्रैफिक है। तो यहाँ पे जो भी आपको मतलब की वेबसाइट्स आपको दिख रही है सायरी से रिलेटेड वेबसाइट्स, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स को आपको पकड़ लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये पहली वेबसाइट है गाइस imhindi.com, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन इसके URL को गाइस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेना, और ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है गाइस ये सायरी के ही निच पे काम करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी सारी मतलब हर एक कैटेगरीज की आपको यहाँ पे सायरी मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसी तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको मतलब कि गूगल पे मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से उन्हें देख लेना, ठीक है। तो पर्टिकुलर अभी मैंने इस वेबसाइट्स को पकड़ा है, ठीक है, तो इसी का हम अभी एनालाइज करने वाले, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है गाइस, सिंपली आपको चले जाना है अपने AHREF टूल में, ठीक है। तो मेक श्योर यार आपके पास AHREF टूल होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है गाइस तो सिंपली आप इसे इस वेबसाइट SEO टूल अड्डा से परचेज कर सकते हैं, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ से जस्ट आप 299 rupees पर मंथ में इस टूल को परचेज कर पाएंगे, नहीं तो आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएगा जिसमें इंक्लूडेड AHREF भी है, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं किस तरह से हमें कीवर्ड्स को निकालना है। देन सिंपली आपको क्या करना है, वापस से अपने AHREF पे जाना है, देन यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर में गए, सिंपली आपको जो अभी आपने डोमेन कॉपी किया उससे यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करते उसके बाद सिंपली सर्च करना, जैसे ही आप सर्च करोगे तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड पूरी डेटा गाइस आपके सामने आ जाएगी कि आखिर इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना है, अर्निंग कितना करती है, इसका DA क्या है, DR क्या है, ये सारा कुछ गाइस मतलब कि ये जो टूल है गाइस वो बता देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो यार काफ़ी कुछ डेटा यहाँ पे आ चुका है, प्लस यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी आ चुके हैं जो कि है 19,000 से भी ऊपर गाइस कीवर्ड्स पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी बात आती है कि हमें आप कॉन्टेंट कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली गाइस कॉन्टेंट आपको ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स से ही मिलेगा। देन आपको क्या करना है, सिंपली इस ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे जो भी 19,000 से ऊपर वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं ना गाइस 19,000 के लगभग वो सारे कीवर्ड्स आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, जिस कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट पर्टिकुलरली रैंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यार यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है, जो इंडिया में गए 16,000 से भी ऊपर कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, और कुछ कीवर्ड्स तो गए US में भी इस वेबसाइट से रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन आप हर एक कीवर्ड्स पे काम नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका KD है गाइस जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 33 है, 30 है, फिर 22 है, 23 है, 22 है, 8 है। तो गाइस यहाँ पे अगर कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं गाइस थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो अगर आप इतने हाई KD वाले कीवर्ड्स पे काम करोगे तो यार मतलब कि रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जो एक KD का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे सिंपली आपको 0 डालना है और नीचे वाले पे आपको 10 डालना है, फिर आपको क्या करना है अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही यार आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने मतलब कि 0 to 10 वाले जितने भी KD वाले कीवर्ड्स होंगे ना वो सारे आपके सामने आ जाएंगे जिसपे आप काम कर सकते हो 100%, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक अच्छा सा SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली गाइस उस टॉपिक पे भी वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे यार यहाँ पे मतलब कि कीवर्ड्स आ चुके हैं जिसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो ऐसे में आप इस पर 100% काम कर सकते हो और आपकी आर्टिकल रैंक भी करेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको भर भर के कीवर्ड्स मिल चुके हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से गाइस अगर आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हो ना तो मतलब कि आपको यार कभी भी कॉन्टेंट की कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रोमांटिक सारी एक कीवर्ड आ रहा है, आप इस कीवर्ड पर गाइस काम कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। एंड सैड स्टेटस इन हिंदी आ रहा है, तो इस कीवर्ड्स पे आप काम कर सकते हो। आपको पता चल गया इसका जो KDA गाइस कम है, प्लस इसमें जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। तो अब बात आती है गाइस कि हम किस तरह से इस मतलब कि कीवर्ड्स पे, पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे काम करेंगे, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रोमांटिक शायरी है, ठीक है। तो इस कीवर्ड को मैंने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कीवर्ड पे ये जो वेबसाइट है गाइस पर्टिकुलरली ये सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रही है, तो इसे हम अलग टैब में यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे नीचे गाइस सेकंड पोजीशन पे गाइस ये जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। कहाँ गया यार, हाँ ये रही, ठीक है। आई एम हिंदी, देन सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे कंटेंट मिल चुका है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप कंटेंट उठा के एंड देन अपने लेआउट में गाइस उसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरह के जो निच होती है ना गाइस, शायरीज, जोक्स, तो ये जनरली यहाँ पे जो भी काम होता है गाइस कॉपी एंड पेस्ट का ही होता है, किसी का भी खुद का कॉन्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आप कंटेंट को उठा सकते हो और अपने हिसाब से लेआउट में अपने डिज़ाइन के साथ गाइस आप अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। और इसके ऊपर यार मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया किस तरह से मतलब कि आपने कंटेंट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने लिए अनलिमिटेड यार मतलब कि कंटेंट्स को आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, अपने लिए। इसी तरह से यार आपने 10-20 वेबसाइट्स को AHREF टूल के थ्रू एनालाइज करना है और वहाँ से कीवर्ड्स को निकालना है, फिर उन्हीं की वेबसाइट्स पे जाकर के इनके कंटेंट को उठाना है और अपने लेआउट्स में प्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इमेज पे आप देख पा रहे हो imhindi.com लिखा है, तो आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है और इमेज में थोड़े से आपने चेंजेस करने हैं। तो इस तरीके से गाइस आप कॉपी पेस्ट करके आप अनलिमिटेड कंटेंट पे काम कर सकते हो अपनी सारी वेबसाइट्स पे। देन आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से गाइस आप अपने सारी वेबसाइट्स के लिए कंटेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपके पास AHREF टूल नहीं है गाइस, तो सिंपली आप यहाँ से इस वेबसाइट से गाइस काफ़ी चीप प्राइस में गाइस आप जस्ट 299 rupees पर मंथ में परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है गाइस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन से भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि यार इस चैनल पे मैं रेगुलरली लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स की, ठीक है, जिसमें सारी वेबसाइट्स भी इंक्लूडेड होता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।